हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऐप फॉरएवर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 5 विंटर डेस्टिनेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मॉनसून लगभग एंड हो चुका है और दोस्तों विंटर्स आने ही वाले हैं, तो अगर आप भी कर रहे हैं विंटर्स में घूमने की प्लानिंग तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जाकर आप अपनी विंटर ट्रिप को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से जान लेते हैं इन बेस्ट प्लेसेस के बारे में। तो गाइज, हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से, और हमने नंबर 5 पर रखा है मनाली को, क्योंकि दोस्तों जब भी विंटर्स आते हैं और मनाली में बर्फ गिरना चालू होती है तो दिल्ली NCR की सबसे ज्यादा जनता मनाली की तरफ ही रुख करती है, क्योंकि दोस्तों मनाली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके साथ ही इजीली एक्सेसिबल है, एंड इसके साथ ही दिल्ली से आपको मनाली की डायरेक्ट बसेस भी मिल जाती हैं। एंड दोस्तों इसके साथ ही मनाली में साल भर बर्फ पड़ती ही रहती है। अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप मनाली के सोलान वैली में जरूर विजिट करें। बाकी अगर आप विंटर के स्टार्टिंग में जाने वाले हैं तो आपको एक हल्की स्नोफॉल जरूर देखने को मिलने वाली है, जो कि आपकी इस मनाली ट्रिप को एक मेमोरेबल ट्रिप बना देगी। और मनाली में विजिट करने के बाद रोहतांग पास जाना आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मनाली में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, टेंपल्स हैं, एंड इसके साथ ही यहाँ पर आप ट्रैकिंग करना या पैराग्लाइडिंग करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज, ये तो हो गई मनाली की बात, अब आ जाते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर हमने अपनी लिस्ट में रखा है राजस्थान में लोकेटेड जैसलमेर को। जैसलमेर विंटर्स में विजिट करने के लिए इंडिया की बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी है, और अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो यहाँ पर मौजूद सैमसन ड्यून्स एंड डेजर्ट सफारी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये जैसलमेर की वन ऑफ द बेस्ट चीजों में से एक है। और दोस्तों इसका पैकेज लगभग 1500 से स्टार्ट होता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको 2 डेज का स्टे मिल जाता है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए कल्चरल डांस, कैमल राइड, जीप सफारी और इसके साथ ही काफी सारी चीजें यहाँ पर करने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद तनोट माता मंदिर पर भी विजिट जरूर करें, एंड लास्ट में आप यहाँ पर मौजूद लोंगेवाला वॉर मेमोरियल भी जरूर विजिट करें। एंड इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड डेस्टिनेशन यानी कि कुलधारा विलेज भी मौजूद है, तो आप वहाँ पर जाकर भी काफी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3 पर हमने रखा है अपनी लिस्ट में गोवा को। जी हाँ दोस्तों, विंटर में गोवा की एक अलग ही चमक होती है। इस टाइम पर आपको फॉरेन क्राउड काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बीचेस पे यहाँ पर डीजे नाइट पार्टीज और काफी ज्यादा मस्ती भी होती है। एंड अगर आपको ये सब चीजें पसंद है तो आप विंटर में गोवा आ सकते हैं, खासकर दिसंबर के टाइम में यानी कि क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर आपको यहाँ पर काफी ज्यादा क्राउड देखने को मिलने वाला है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर आप काफी मस्ती भी इस टाइम पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइम पर यहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको बजट थोड़ा हाई लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपना बजट अगर नॉर्मल लेके चल रहे हैं तो आप उससे डबल कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पर होटल और बाकी सारी एक्टिविटीज भी कॉस्टली हो जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए कई सारे बीचेस हैं, सनसेट पॉइंट्स हैं, चर्चेस हैं, एंड यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर हमने रखा है सिक्किम को। सिक्किम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एंड इसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी जगह भी है। अगर आप भी मेरी तरह नेचर लवर हैं तो आपको सिक्किम बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि खासकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, और यह डेस्टिनेशन इंडिया के बेस्ट एंड सेफेस्ट प्लेसेस में से भी एक है। एंड दोस्तों इसके साथ ही सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट नहीं है, तो सिक्किम पहुंचने के लिए आपको वेस्ट बंगाल में लोकेटेड न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आना होगा, एंड वहां से आप सिक्किम आ सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप बालडोगरा एयरपोर्ट आ सकते हैं, और दोनों ही जगह से आपको सिक्किम के गंगटोक जाने के लिए टैक्सी या फिर बसेस मिल जाएगी। आप यहां से सीधा टैक्सी या फिर बस को लेकर सीधा पहुंचने वाले हैं गंगटोक, और गंगटोक में पहुंचने के बाद यहां पर आपको काफी सारे साइट सीन्स देखने को मिल जाएंगे। साइट सीन्स को एंजॉय करने के बाद आप नॉर्थ सिक्किम में लाचेन या फिर लाचुंग में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए काफी ज्यादा बर्फ मिलने वाली है, जो कि मार्च एंड तक पड़ती है। लाचेन से आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ पर आप गुरु डोनमार्ग लेक जा सकते हैं, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक्स में से एक है। यह लेक करीब 17,800 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है, एंड इसके साथ ही जो रास्ते का व्यू है वो काफी ज्यादा खूबसूरत व्यू है, एंड इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल लेह लद्दाख वाली फीलिंग आने वाली है।
एंड इसके अलावा जब आप लाचेन में स्टे करेंगे तो आप यहाँ की युमथांग वैली और जीरो पॉइंट घूम सकते हैं, जो की पूरी बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती है। इसके अलावा अगर आप गैंगटोक से ईस्ट सिक्किम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप बाबा मंदिर और नाथुला पार्क जा सकते हैं, जिसके रास्ते और व्यूज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सिक्किम की ट्रिप अगर आप टूर पैकेज लेके करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पड़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों कई यहाँ पर ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर आपको विजिट करने के लिए परमिट लेना पड़ता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिक्किम में विजिट करने के लिए एक टूर पैकेज ले लीजिए, जिससे कि आपका टूर ऑपरेटर सब कुछ अरेंज कर देगा और आप मजे से पूरे सिक्किम को घूम पाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और पसंद आ रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको इन सभी डेस्टिनेशंस में से सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कौन सी लगी। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के लास्ट और नंबर वन पर हमने रखा है धरती पर स्वर्ग कही जाने वाली जगह को, यानी कि कश्मीर को। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए आप जम्मू तक ट्रेन से आ सकते हैं, उसके बाद जम्मू से श्रीनगर के लिए आपको बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी, या फिर अगर आप यहाँ पर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कश्मीर में अगर हम घूमने की बात करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले श्रीनगर घूमेंगे, जो कि बिल्कुल जन्नत जैसी जगह है। यहाँ पर आपको डल लेक और बोट हाउस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको स्कीइंग वगैरह पसंद है तो आप गुलमर्ग या फिर सोनमार्ग के लिए जा सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है जिसे हम पहलगाम के नाम से जानते हैं, तो आप यहाँ पर भी जरूर विजिट करें। एंड दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप पहली बार कश्मीर आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक टूर पैकेज ले लीजिए, जिससे आपको कश्मीर घूमने में काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि दोस्तों कई बार काफी लोगों के मन में सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहता है कश्मीर में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां के लोकल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपको हर जगह इंडियन हाइप देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने कश्मीर टूर में काफी ज्यादा सेफ फील करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप आराम से अपने कश्मीर टूर को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली ये थे हमारे 5 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर। दोस्तों, हमें कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको इन पांचों डेस्टिनेशंस में से सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी लगती है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर इन डेस्टिनेशंस के अलावा आपको कोई और डेस्टिनेशन इससे ज्यादा बेटर लगती है तो हमें कमेंट में जरूर सजेस्ट करें, हो सकता है किसी और का आपके कमेंट से भला हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।